सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को राम राम जी। आज आप पाठ 5 SRT विषय हिंदी कक्षा 5वीं का लेके आए हैं भाई। नदी यहाँ पर तो भाई सारे चुन्नू मुन्नू लड्डू इकट्ठे हो जो भाई, ध्यान से यह कविता पढ़ांगे और इसके बारे में आनंद लेवांगे। डॉक्टर श्री प्रसाद जी की कविता है प्यारे बच्चों, तैयार होके। देखो भाई बड़को, अपना जो पानी है पृथ्वी के ऊपर, वो समुद्रा में सागरा में भी पाया जावे है और नदिया में भी पाया जावे है, नहर में, झील में, तालाब में, टूंटिया में, कुया में, बरसात कई डाल तक पानी मिला है। पहने जो एक स्रोत है पानी का नदी, जो प्राकृतिक रूप से बनी उड़ी हुआ है और जो अपना रास्ता ढूंढ कर पहाड़ा पैते और समुद्र में गिरा है, उसने के कहे है नदी। नदी और नहर वह है जो आदमी ने खोद के बनाई है अपना हाथा ते, तो नहर तो आदमी द्वारा खोदी गई हुआ है और नदी प्राकृतिक रूप से कुदरती बया करा है। उसने लाखों वर्षों से हजारों वर्षों से अपना रास्ता बनाया ओड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करांगे। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को, चलते चलते सागर को, आखिर में वह पाती है, आखिर में वह पाती है, मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को, सींच सींच कर खेतों को, फसल बनाती है धानी, फसल बनाती है धानी। तो भाई इसमें नदी की विशेषता बताई गई है प्यारे बच्चों। नदी इधर उधर मुड़ती है, मोड़ खाती है और आगे ही बढ़ती जाती है, चलते चलते जो समुद्र को वो अंत में प्राप्त कर लेती है। कहने का अर्थ के है, आदमी चलता रहा अपने लक्ष्य की तरफ है तो आखिरी में वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जो कर नदी का लक्ष्य सागर है, समुद्र है और आखिरी में वह उसमें जाकर मिल जे है। तो एक लंबा रास्ता तय कर रहा है वह और सबने पानी दंदी चल रहा है भाई, यानी कि सारे उसके पानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सींच सींच कर खेतों को, इसका अर्थ है खेतों में नदियों के पानी से सिंचाई होती है, होती है। और जो हरी हरी फसल होती है, धान्य का अर्थ है हरे हरे पौधे फसल है, वो तैयार होते हैं, अनाज पैदा होता है और फिर चलती जाती है नदी, आखिरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। इसका यही सरलार्थ है हुआ। समझ में आया भाई? हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, खींच का ले लो भी और भी आगे देखो। चलती किसी जगह सीधी, चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है, लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं, लेकिन थकती कहीं नहीं, कहीं करारों में छिपती, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है, खो जाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें ये बता रखा है भाई, चलती चलती कहीं पर तो सीधी जगह पर चलती रहती है, पहाड़ा पकड़िया मोड़ आज है भाई, बना कुकर है पहाड़ा था लकड़ा की कुकर है, बेरा इस बात का। हाँ जी। भाई जो बर्फ पड़ा है पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई के ऊपर है, क्योंकि ऊंचाई पे जावांगे नहीं पे तापमान कम हो जाए है और उड़ पानी ते बर्फ जम जाए है बादल बुदला का ऊपर, वो है जो और फिर जो
बर्फ पिघलती रहा है और उस तो पानी इकट्ठा होता रहा है और वो नदी वहाँ से आगे बढ़ती है पानी के रूप में, लहर के रूप में। और फिर जो कहीं पर तो सीधी चलती है, पहाड़ टीढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, सीधे तो होते नहीं हैं, तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी कहीं हो जाती है। कहीं पर इसमें लहरें उठती हैं बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन फिर भी या थकती नहीं, यानी कि इसने थकावट को नहीं होती, आराम बेसंग ना मिलता हो चाहे पूरा परिश्रम करे है अपने सागर तय लक्ष्य तय प्राप्त करने खातर। कहीं करारों में छिपती, इसका मतलब है इसके ऊंचे ऊंचे किनारे हुए हैं, कगार हुए हैं एक तरह से, ओड़े न्यू छुप जह जनों को नदी सहे को नहीं, यानी कि कड़िया कड़िया या इसी छुप जह दिख दिए को नहीं आप न पहाड़ा के ऊपर है। तो फिर उसके बाद यह कड़ा आवा है मैदान नाम आवा है, जुकर गंगा नदी गंगोत्री तक लकड़ा है और हरिद्वार में वह मैदान में प्रवेश करा है। उस तो पहला वह सैकड़ों किलोमीटर पहाड़ा में बवा है। तो इसका मतलब ये होया नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर के पहाड़ा पर संघर्ष कर कर नीचे आवे है, कड़ियाँ छुप जा है, कड़ियाँ मोड़ खा जा है, कड़ियाँ सीधी चल रहा है, समझ में आवे है के भाई बच्चों? आगे है भाई खेल खेलती लुका छिपी, लुकम छिपी था मैं खेलिया करो हफसरी में भाई, एक टोन जाओगा उन्ने और बाकी लुके पाऊंगे तो उस के वह है या लुका छिपी का खेल खेल रहा है। इसे त्रियाँ बड़का की त्रियाँ कड़ियाँ तो दिखाई देते हैं और कड़ियाँ छिप जे है तो बिल्कुल ही खो जे है या कड़ियाँ, तो इसका मतलब जमा आँखा तो भी नहीं दिखाई देती, ईसा खड्डा में टेढ़ी मेढ़ी घाटिया में को नावे है। आगे देखो भाई बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन जब नीचे आई, लेकिन जब नीचे आई, धीमी धीमी चाल हुई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई, जैसे थक कर सुस्ताई, पानी बिखराती जाती, पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है, मन में बुरा न लाती है। तो वे इसमें यह बात बता रखी है बालको, व्याख्या करांगे इसकी सरलार्थ करांगे, क्योंकि जो पैराग्राफ आवे है अपने पेपरा में उसमें सरलार्थ करना भी आज है। तो बहुत तेज थी पर्वत पर, यानी कि इसकी गति इसकी चाल पहाड़ा का ऊपर बहुत ज़्यादा तेज भया कर दिया, इसकी गति बहुत तेज थी, और जब नीचे आई तो धीरे धीरे चाल होगी इसकी, आहिस्ते आहिस्ते चलन लग गया, जुकर आदमी थक रहा हो और सुस्ता है कहना आहिस्ते आहिस्ते चलन लग जाए, और शुरू में डांक चौकड़ियाँ हो ले कोई यात्रा करनी हो तो पहाड़ा पर तो तेज चल रही थी, और मैदान में कहना क्या हो गया आराम तो चलन लग गई, और फिर पानी बिखराती जावे है या सबने पानी देंदी चल रहा है, और हरियाली भी फैल रहा है क्योंकि पानी होगा नदी का तोड़ को फसल ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, अनाज ज़्यादा होगा, हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, पानी मिलेगा सबने, सब खुश होंगे, और भाई जितना भी पानी ले लो नदी तो या बुरा बुरा को नहीं मानती, क्यों भाई जिस पर धन अच्छा हो और वो दूसरे ने दान करेगा तो उसने खुशी मिला करे है, भाई दान देने तो धन को नहीं घटता, इसे तरिया पानी है नदी का उसमें तो जे कोई चिड़िया चूंच भर कर ले जाए तो इसका अर्थ है उसका कुछ नहीं घटा, वह खुश हो रहा है बल्कि बुरा को नहीं मानती। तो अपने पास भी अगर विद्या का धन है या कोई किसी की सहायता करने की आपने इच्छा है तो आपने भी बुरा नहीं मानना चाहिए, खुशी माननी चाहिए बल्कि, ठीक है ना? हाँ जी। किसे पता है आई कब, किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर, एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही, सदा रहेगी जलती ही, सागर में मिल जाने पर, सागर में मिल जाने पर, फिर बन जाती है सागर, फिर बन जाती है सागर,
तब तक चलती रहती है। रात और दिन धरती पर, रात और दिन धरती पर। तो प्यारे बच्चों लाडवो, इसमें यह बात बता रखी है, अकबे या कभी किसी का बुरा नहीं मान दी, कोई कितना ही पानी ले लो, और किसने बेरा है कि आ कब आई है धरती पर, यानी कि बेरा को नहीं है, कब तो शुरुआत हुई है इस नदी की, और यह चलती रहोगी, सदियों लग बहती रहोगी। और जो कर एक दिया है वो रात ना अपनी जिम्मेवारी निभावा है कि भाई सूरज को नहीं, और मेरी जिम्मेदारी अंधेरे को दूर करना, और वो जगमग जगाता रहता है, जलता रहता है, रोशनी देता रहता है, उसी तरिया या नदी सब ने हरा भरा करती है, सदा रहेगी जलती ही, दिए की तरह यह भी चलती रहती है, जलती रहती है, यानी कि अपना प्रकाश फैलाती रहती है, पानी रूपी प्रकाश है। और फिर या सागर में मिल जाए वह समुन्द्र में जाकर जो गरीबता में पढ़ोगे लिखोगे लक्ष्य प्राप्त करोगे, तो तारा लक्ष्य है जो अपना जीवन का, इसे तरिया इसका भी जीवन का लक्ष्य है। और फिर सागर बन जाए या उसे का रूप ले लिया है, क्या था भाई सागर में मिलकर न बड़ा वह समुद्र तो बहुत बड़ा अनंत, तो नदी भी समुद्र का रूप बन जाए है। और उड़े तो लकड़ा है या क्यों भाई बाँफ बना है, पानी की ऊपर चढ़ा है, बादल हुए हैं, पहाड़ा पर जावे हैं, बरसात हो है, या फिर नदी में बह कर न उल्टा है समुद्र में मिल जाए है, नू जल चक्कर चलता रहा है, समुद्र में तो आई थी समुद्र में मिलगी, ठीक है ना। तो तब तक चलती रहती है और दिन और रात धरती के ऊपर ये बहती रहती है जब तक इसको अपना लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसी प्रकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं होता तो आपने भी लगातार मेहनत करनी चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा संदेश दिया भाई नदी ने, तो इसने इससे संबंधित कोई और कविता भी याद है भाई तारा है। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, एक छोटी सी कविता मैं भी सुना दू। बूंद बूंद संग्रहित कर अपना वजूद ये बड़ा बनाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती है, जब चलना आरंभ ये करती अस्तित्व बहुत छोटा होता, राह भी दुर्गम होते और चलना भी दूभर होता, हार न फिर भी मानती है, बस आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ यह हमें सिखाती है, हमें अगर रुकावट पड़ती डट कर यह उससे लड़ती, बह जाती है यह खोद सुरंग या पर्वत के ऊपर जा चढ़ती, ताकतवर गर हो मुसीबत तो हमें अपनी हिम्मत बढ़ानी है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती है, कैसे भी हो हालात धरा पर ये निर्मल सी बहती है, हर पल बस ये कल कल कर मधुर संगीत सुनाती रहती है, मत संयम खोना जो कभी भी विपदा कोई जो आती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती है, इतना भी लंबा होता हो सफर ये मगर कभी न थकती है, ऐसा कोई मोड़ नहीं है यह जहाँ पर जाकर रुकती है, अंत में जाकर सागर की गोद में यह समाती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती है, जीवन है जब तक अपना तब तक सफर खत्म न होता, मंजिल जिसको प्यारी होती वो कभी न चैन से सोता, सागर से बन गया वाष्पीय नदियाँ फिर इसी धरा पर आती है, आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ये हमें सिखाती है। तो भाई बहुत प्रेरणादायक कविता थी ये, मेरी प्यारी कविता थी, मैंने आपको सुनाई, याद करना बच्चों, आगे देखो भाई अभ्यास देखेंगे इसका भाई लडवो। और भाई बच्चों बड़को ये बात बताना चाहूँ कि हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर स्त्रियों का मसाला पहली तक पाँचवीं मिलक का SCRT का सारा सिलेबस मिलेगा, और भी डाल डाल की बहुत सी जीके केवल शिक्षा की बात है बसले। अगले पेज पर आज तोड़े है, आइए शब्दों के अर्थ जाने, जगर मगर के हुआ सर अयुरा, जगमगर और सागर मैंने के हुआ है भाई समुंदर,
और सींच कर सिंचाई करके सुस्ताई मैंने बताया जो ले बाय आराम किया। नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? नदी अंत में समुन्द्र में पहुँचती है। फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? नदियों के पानी से फसल बढ़ती है और हमें अनाज मिलता है। नदियों के पानी से सिंचाई करा यहाँ पे फसल बढ़ा है अनाज पैदा हुआ है। आगे देखो भाई, नदी किस में छिप जाती है? नदी करारों में छिप जाती है, ऊंचे नीचे किनारे उसे अपने पीछे छिपा लेते हैं। ऊंचे नीचे कगार या किनारे हुए हैं जो करार है वो उसमें छिप जाती है भाई। नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ पर धीमी होती है? नदी की चाल पर्वतों पर तेज और मैदान पर आराम से हो जाती है। नदी की चाल मैदानों में धीमी और पहाड़ों पर तेज हो ऐसा भाई। नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? समुद्र के जल के वाष्प बनने से बादल बनते हैं, वे वर्षा के रूप में से पर्वतों पर बरसते हैं, वह जल नदियों के रूप में पर्वतों से बहता हुआ मैदान में आते हैं, मैदानों से वह फिर बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाते हैं, इस तरह नदी फिर से सागर बन जाती है। तो भाई समुद्र का पानी बाँफ बन के ऊपर उठ जाए से बादलों का रूप में, और फिर वो पहाड़ों के ऊपर बर्फ का रूप में जम जाए है, फिर पंगलदा रहा है, और फिर नदी का रूप में फिर समुद्र में जाए मिला है, यू चक्कर चलता रहा है न्यू है। अगर देखो भाई आपकी बात है, आपने कभी नदी अथवा नहर या बहता हुआ पानी देखा होगा उसका वर्णन करें। तो भाई अपने आसपास का एरिया में आप कोई नहर पर चबाए पैकड़ियाँ गए हों तो नहाए नुए हों तो देखा है कि? हाँ जी। तो भाई नहर का मैं तो नहाना भी चाहिए, वो तो बहुत डूंगी हुआ है, उसमें तो डूब भी सका है, और चबाए में भी वैसे छोटे बच्चे को तो नहीं जाना चाहिए, तैरना हुआ है या बड़े की देख रेख में ही जाना चाहिए, बहुत भयंकर मामला उसका है भाई। नदी का पानी तो इतना तेज बहाव हुआ है कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आगे देखो, नदियां मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, आपस में चर्चा करो। तो नदियां का पानी तो भाई आप श्री में देखो, आप चर्चा करने में यह बात शामिल कर सका हाँ, समुद्रा में जानता पहला हुआ मैदान में सिंचाई करे से भाई, और इसके पानिया तो बांध बनाए जावे हैं, बिजली पैदा हुआ है भाई, मछलियाँ भी पाली जावे हैं, नौका या वैसे व्यापार के छोटे मोटे साधनों का भी इससे नदी का सहारा लिया जावे है। जुकर बड़े बड़े पहाड़ों में और जंगल जुंगल हैं या औरत पेड़ काट कर मान लिया लकड़ी का व्यापारी हैं जो, और उसमें बेड़े गेड़ दिए हैं, और वह बेड़े नदियाँ का सहारा है, सहारा चलते रहे हैं नदियाँ में किनारे का, और फिर आग जाकर उन्हें काट लिया है। इस प्रकार से नदियों से व्यापार, मछलियाँ या फिर बिजली पैदा करना, सिंचाई करना, पीने के रूप में पानी प्रयोग किया जावा है, फैक्ट्रियों आदि में भी नदियों के पानी की उपयोगिता है। आगे देखो भाई, क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर करी से? हाँ जी। अपना अनुभव बताइए। तो उसमें हम ये कह सकते हैं आपने कभी सैर करी है तो नौका में बैठे होंगे, चप्पू भी चलाया होगा, और वो कैसे नौका तैरी एक अलग ही आनंद आया होगा, तो अपना अपना अनुभव बताना है अगर बैठे हैं तो। आगे है वे कविता से आगे, भारत के मानचित्र में गंगा यमुना और इनकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल को देखें और उनके तट पर बसे हुए 5 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो भाई गंगा का किनारा यमुना का किनारा बहुत से बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, अपना देश की राजधानी जो दिल्ली है वो भी यमुना नदी के किनारे पर है, आगरा है वो भी यमुना नदी के किनारे पर है, ताजमहल है नहीं आगरा में, और भाई हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे पर है, उज्जैन आगे जैसे जो कुंभ के मेले लग गए हैं नहीं अपने, वहाँ सारे शहर है, काशी है, तो ये सब बनारस वगैरह काशी एक के नाम है, तो ये सारे शहर गंगा यमुना नदियों के किनारे पे हैं। गंगोत्री तो गंगा लकड़ा है हिमालय पर्वत में है, और यमुनोत्री तो यमुना लकड़ा है, और इलाहाबाद में जाकर नहीं है कट्ठी हो जे संगम हो जे इनका गंगा यमुना और एक सरस्वती नदी हो अगर दी लुप्त होगी जो। तो वह गंगा और यमुना नदियाँ का मानचित्र में आप देखोगे तो आपने बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। भारत का नक्शा में देखी हो या और नक्शा तैयार करना और उसमें ये छाप करने भी देखनी है, देखोगे नहीं? हाँ जी। तो गंगा और यमुना नदियों के किनारों पर और भी बहुत से शहर हैं, बहुत से ये तो रीढ़ की हड्डी हैं और अपनी आस्था से भी जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय नदी है गंगा तो अपनी, और हरिद्वार में
मैदान में प्रवेश करे है इसका पहला या पहाड़ा में भवे है। आगे चलो भाई, मिलान करें। संगम क्या होता है भाई, किससे मिलाएंगे संगम को? जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। जड़ दो नदी आपसरी में मिला है नहीं, जिकर गंगा में यमुना नदी मिला है और भी शीशी 108 नदी मिला है गंगा नदी में, कहना है सारी सहायक नदी को छोटी नदियों हैं जो, और यह मुख्य नदी होगी तो ये संगम हो गया जड़ गंगा यमुना मिली। मतलब अगे है भाई डेल्टा, नदी जहाँ समुन्द्र के मिलने पर पहले गाद कीचड़ जमा कर देती है। नदी जड़ा समुन्द्र था पहला मिलन था एक कीचड़ सा, यानी कि एक गाद सी कट्ठी हो जहर, मतलब सैकड़ों किलोमीटर में को बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी ही हो जहर, तो डेल्टा बना हुआ है जोकर सुंदरवन डेल्टा बना है। गंगा नदी जब उसमें पड़ा है नी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में, तो उसमें सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सामान्य ज्ञान भी जरूरी है बड़को, या जीके भी बढ़नी चाहिए अपने साथ के साथ में। और सामान्य ज्ञान के लिए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर बहुत सा मसाला मिलेगा था हमने गेड़ा मार के देखियो। उद्गम के वह है नदी जहाँ से निकलती है, जड़ता नदी पैदा हुआ है निकला है उद्गम स्थान हो गया, जो कर गंगा गंगोत्री तक लकड़ा है। कगार के वह है भाई नदी का किनारा, नदी का जो किनारा है वो कगार हुआ है ऊंचा नीचा जो भी। और कछार के हुआ है भाई नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, बारिश के दिनों में पानी भर जो है नदी के आसपास का क्षेत्र उसने कछार बोलेंगे। और भंबर के हुआ है रे यूरा, पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है उसने भंबर बोलेंगे। पहाड़ा का तला तलाटी में नदी पत्थरों का मैं छिप जे है जड़ा है। और तराई के वह है भाई पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदल का निर्माण करती है। दलदल का मतलब है नरा कीचड़े कीचड़े, इसके ऊपर आदमी सीधा नहीं चल सकता, लेट कन तो इसमें फंस गया नहीं तो लेट का तो बाहर लकड़ सका नहीं तो फंस जाएगा। और जो दलदल में तो दोबारा नदी प्रकट हुआ है पत्थरा में तो छिपी ओड़ी नदी उसने तराई बोलिया करे हैं। तो भंबर तो छिपना और तराई जो उसका दोबारा प्रकट होना। और कछार के बताया था भाई नदी के आसपास का क्षेत्र है जिसमें जो बरसात का पानी भर जे है। ध्यान रखो भाई इन शब्दों ने बहुत महत्वपूर्ण है शब्द भंडार बटेगा इस अपना। दी गई वर्ग पहेली में भारत की प्रमुख नदियों के नाम छिपे हैं। यह वर्ग पहेली सी है किस्म की, इसमें ऊपर तय नीचे देखो पहले तो यह का व्यासता मुवे सी तैपती नारी झेल में, एक तो झेल में गया भाई और ऊपर तो नीचे फिर आगे चलेंगे तो क्री ने ची जे श्राणा श्रणारमना गंगा, एक गंगा है की दो नदियों के नाम है भाई। ऊपर तो नीचे सारे अक्षर पढ़ू मैं, ऊपर तो नीचे चले गोदावरी, एक गोदावरी आ गया भाई। तो तीन नदियों के नाम तो आ गए ऊपर तय तला है। अरे ये साइड बाई साइड देखो भाई, पहली लाइन में ऊपर ऊपर न्यू का न्यू, एक तो यमुना हैगी, एक कृष्णा नदी है भाई अपनी, एक कावेरी है भाई, एक नर्मदा है, जमा लारा लग लिया नदियाँ का इसमें तो ऊपर नीचे की बजाय है। व्या सी झे ची नाव, एक चिनाव नदी है भाई जो सिंधु नदी में जाकर मिला है पंजाब को, एक है सतलज, सतलुज है भैया सतलज की बजाय सतलुज, लू होना चाहिए था यो ठीक कर लियो इसने। गैरी तापती नदी है भाई एक है, और बस ये नदियां हैं जो अपने इसमें वर्ग पहेली में दे रखी हैं। और भी नदियों के नाम भारत में सैकड़ों नदियां हैं, उनके सारे के अच्छी तरह नाम याद कराया करो भाई, भारत का मानचित्र देखो ज्ञान बढ़ेगा। नदियां का बेरा पटेगा तो न्यू बेरा पटेगा, किसी माटी है जो दो मट माटी हुआ है नदियों के द्वारा लाई गई माटी। और जैसे एक नदी रहेगी भाई इसमें व्यास नदी और रहेगी एक व्यास, व्यास नदी है हिंदू नदी में जाकर ना मिला है, बहुत ऐतिहासिक नदी है अपनी, तो भाई इनका अभ्यास करो ज़्यादा से ज़्यादा। चिनाव व्यास रावी झेलम पंजाब जै तक वह पंच जमा आब, यानी कि पांच आब, आब मैंने पानी, पांच पानियों का समूह है, पाँच नदियों का समूह है उड़ा है। तो प्यारे बड़को नदियाँ का बारे में बेरा पटगा, उनकी माटियाँ का बेरा पटगा पहने, और फिर कौन सी फसल हुए हैं उड़ा को दोमट मिट्टी है औसादी सैल हैं, या फिर जड़ा नदी नहीं है जोकर सऊदी अरब में एक भी नदी को नहीं, इसे से मतलब हजारों % सामान्य ज्ञान के बने जे हैं। और सामान्य ज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी है भविष्य में प्रतियोगिता टेस्ट की तैयारी के लिए। आगे देखो भाई भाषा की बात है,
नदी चलती है, नदी गिरती है, नदी उछलती है, नदी मिलती है, नदी बहती है, नदी मुड़ती है। तो चलना, उछलना, बहना, गिरना, मिलना, मुड़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। इनसे किसी काम के होने का पता चलता है। आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, सोचें और लिखें। सोना। हाँ। नहाना। वेरी गुड। खाना खाना। बहुत अच्छा। चढ़ना। बहुत बढ़िया। उतरना। वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छे भाई, बहुत सी क्रियाएं हम दिन में करते रहते हैं, उठने से लेकर के सोने तक बहुत से काम करते रहते हैं, और कामों को ही हम उनको क्रिया रूप बोलते हैं। ले भाई जमानू ठाडू ठाडू बोल लेता मैं तो, भाई जमानू आखिरी वाला पेज पाएगी, पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी, बस ले तोड़े तोड़े चलो, यू पाठ खत्म करांगे यार, अच्छी तरह याद करांगे, फिर दुराई करांगे इसकी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं, जैसे अमर जो कभी न मरता हो, ऐसे ही कुछ वाक्य या वाक्यांश नीचे दिए गए हैं, आप उनके लिए एक एक शब्द लिखें। जो दिखाई न दे, अदृश्य। अदृश्य। और दिखने और छिपने का खेल क्या होता है भाई, लुकन छुपाई। बहुत अच्छे। और जिसे जीता न जा सके, अजय। वेरी गुड। जिसे मिटाया न जा सके, अमिट। जिसको मिटाया जा सके, बहुत बढ़िया। जहां धरती और आकाश मिलते हैं, प्रतीत होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्षितिज। क्षितिज। जिसकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु। दीर्घायु कहते हैं उसको। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे भाई, एक शब्द में, सर्वज्ञ। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा करा है भाई, न यानी के पूरा वाक्य को एक शब्द में कहना। जैसे दिन में एक बार होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, इसी तरह समाज में होने वाला सामाजिक। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्यारे बच्चों। कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द बताओ भाई। छिपना, प्रकट होना। चलना, रुकना। टेढ़ा क्यों है सर, है सीधा। और मोटा का उल्टा बताओ भाई, पतला। दिन का विलोम बताओ भाई, रात। सुंदर का विपरीतार्थी बताओ भाई, असुंदर। सुंदर का भद्दा भी हो सकता है, बदसूरत। बदसूरत भी हो सकता है। आगे का उल्टा बताओ भाई, पीछे। और कल का विलोम है, आज। ले भाई तुमने तो पूरा मोर्चा ही मार दिया, रेनू डूंडे ठा दिए भाई, बड़को जमा। पांच पाठ हिंदी के हो गए अपने, और इसे तरिया सारी हिंदी, सारा सिलेबस यूट्यूब SCERT का रिकेश का प्रो पर मिलेगा। यू मसाला ऐसा है, चाहे 9 मई 6 मई या वार्षिक परीक्षा हो, चाहे वैसे ज्ञान की बात हो, एक बार सुन लिया तो गन खरा किया दो, जगह दो बार सुन लिया तो भाई अपना नाम बेसंग भूल जियो, यह चीज़ नहीं भूलोगे। अरे अध्यापकों से, अभिभावकों से मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल का फायदा उठवाउन के लिए बोल रहे हैं, ताकि ऑडियो का रूप में बना रहे हूँ मैं, आँख भी नहीं खराब होती हैं। और भाई अपना चाहे छोड़ में मुँह दें दें, सुने जाओ और फायदा उठाओ भाई, ज्ञान की पूजा हुआ है, ज्ञान मिलेगा बड़का ने। आपने ध्यान तक सुनिया, फिर मिलांगे, गेड़ा मारियो यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ो पे, ज्ञान का बरोटा से ठेठ हरियाणवी में पढ़ाने की कोशिश करी है, ताकि दूर दराज के बच्चे फायदा उठा सकें, गामा के अपने कूना खोदरा में तभी। और अध्यापकों की कमी महसूस नहीं होगी, अध्यापक साथियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा भाई, अगर आपने एक टाइम पर कहीं समय नहीं है, या आप अनुपस्थित हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, विद्यार्थियों से, तो ये सुनाने के लिए कहें, ताकि बच्चे ज्ञानार्जन कर दे। आगे जरूर बांट दियो भाई, ज्ञान का खजाना है, बढ़ना चाहिए, शिक्षा बंडी और बढ़िया करा है। अरे बच्चों बोलो अब जय हिंद। जय।